तो मैम इस बार आप प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? सर सारे ही काम अच्छे लगे, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप किया हर जगह, क्योंकि मैं पढ़ती बाहर हूँ पुणे में, तो मैंने वहाँ पे भी डेवलपमेंट देखी और यहाँ पे भी डेवलपमेंट। और आपको क्या ये काम अच्छा लगा? यूथ के लिए तो उन्होंने काफी ज्यादा डेवलपमेंट की है, मैं जब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी हूँ तो यूथ के लिए तो उन्होंने काफी ज्यादा ग्रोथ कर ही रहे। तो मैम इस बार किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री आप? ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक काम जो ये है कि काफी डेवलपमेंट हुई है रोड्स में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफी अच्छी है और जो भी हमारी रोड्स वगैरह है काफी डेवलपमेंट हुई है उसमें, काफी उन्होंने अच्छे काम लाए हैं। तो इस बार आप किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? पूरे इंडिया लेवल पे उसको काम तो नहीं कह सकते, बट राम मंदिर बना लिया इसके लिए हमारे लिए हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, उसको मैं एज ए काम तो नहीं गिन सकता, उपलब्धि नहीं। तो इस बार किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? उन्होंने पॉवर्टी के लिए बहुत किया, वुमेन्स के लिए और एजुकेशन वगैरह, वुमेन सेफ्टी के लिए आपको लगता है क्या किया है? हाँ, वुमेन सेफ्टी के लिए उन्होंने जैसे कि बहुत सारे जो लॉज वगैरह वो अमेंड किए गए और न्यू सेक्शंस वगैरह, जैसे अभी भारतीय न्याय संहिता वगैरह ये सब लागू करने का प्लान किया जा रहा है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss. आपका नाम? सिद्धि। आपका नाम? तरुणी बख्शी। तरुणी बख्शी, मैम आप क्या करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन टैरो कार्ड रीडर हूं। टैरो कार्ड रीडर, नाइस। और आप क्या करते हैं? आई जस्ट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। जस्ट कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, ओके नाइस। तो मैम इस बार आप प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? फॉर मी, सो मैं पीएम मोदी को ही देख रही हूं। आप पीएम मोदी को देख रहे हैं? और आप? सेम आंसर। सेम आंसर्स, ओके। तो एक काम आपको जो मोदी जी का सबसे अच्छा लगा इन 10 सालों में? सर सारे ही काम अच्छे लगे, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप किया हर जगह, क्योंकि मैं पढ़ती बाहर हूँ पुणे में, तो मैंने वहाँ पे भी डेवलपमेंट देखी और यहाँ पे भी डेवलपमेंट देखी, तो ओवरऑल इंडिया में डेवलपमेंट देखी मैंने। ओके, और आपको क्या ये काम अच्छा लगा? यूथ के लिए तो उन्होंने काफी ज्यादा डेवलपमेंट की है, मैं जब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी हूँ तो यूथ के लिए तो उन्होंने काफी ज्यादा ग्रोथ कर ही रहे ऑलमोस्ट। ओके, और डिजिटल इंडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? डिजिटल इंडिया से काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, जहाँ तक मतलब कि आज तक काफी लोग थे जो पिछड़े हुए इलाके से थे, बट अब सभी आगे ग्रो कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी ग्रेट सेगमेंट फॉर आवर कंट्री। ओके, तो इस सबसे अच्छी चीज डिजिटल इंडिया के लिए कि अभी मैं थोड़ा टाइम पहले जर्मनी गई थी, तो वहाँ पे डिजिटलाइज इतना नहीं हुआ है जितना इंडिया हो गया है। इवन वहाँ के भी लोग यहाँ पे आके बहुत एस्टोनिश होते हैं, यहाँ पे देखे कि हर छोटे एक पर्सन के पास QR कोड मिलता है, एक सब्जी वाले के पास भी आपको QR कोड मिलेगा, तो ये मोदी जी की वजह से पॉसिबल हुआ है। Okay, that's nice. तो आपको लगता है इस बार मोदी जी 400 पार कर पाएंगे? आई मीन होप सो, यस। ओके, आपको क्या लगता है? सेम आंसर। ओके, चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति, क्या करते हैं आप? जॉब करते हो। तो मैम इस बार प्रधानमंत्री किसको देख रहे हो? बीजेपी या कांग्रेस या फिर इंडिया लाइंस, कौन जीत रहा है? मेरे कांग्रेस। कांग्रेस, ठीक है। तो मतलब आप राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट नहीं, बट अच्छा, तो आप कह रहे हैं कांग्रेस। तो कोई एक ऐसा काम जो आपको कांग्रेस का बहुत अच्छा लगा हो? अभी तो नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा सीतू। क्या करते हैं आप? हम दोनों डॉक्टर्स हैं। आप डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो मैम इस बार किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री आप? ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आप अपनी पर्सनल चॉइस बता सकते हैं? पर्सनल तो हम नहीं बताएंगे। मतलब आपको क्या लगता है किसने काम अच्छा किया, बीजेपी ने या इंडिया लाइंस ने? बीजेपी। बीजेपी ने। आपको क्या लगता है कोई एक काम आपको बीजेपी का जो सबसे अच्छा लगता हो? एक काम जो ये है कि काफी डेवलपमेंट हुई है रोड्स में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफी अच्छी है और जो भी हमारी रोड्स वगैरह है काफी डेवलपमेंट हुई है उसमें, और काफ़ी बिल्डिंग्स भी काफ़ी बहुत अच्छी बनी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काफ़ी अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स में, तो वी आर चीफ कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर्स, वी डील विद एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन आर हॉस्पिटल्स, सो हम काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक सैनिटेशन हो गया, हम हॉस्पिटल्स की सैनिटेशन कैसे हमने प्रॉपरली मेनटेन करनी है, और जो भी स्टाफ है उसको कैसे हमने अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हॉस्पिटल का काम सारा अच्छे तरीके से चले, और जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ है ताकि सिक्योरिटी जो हमारी हॉस्पिटल की है वो अच्छे से मेंटेन रहे, ताकि कोई भी जो इलीगल एक्टिविटी है वो हॉस्पिटल में ना हो। तो इस चीज़ से पता लगता है कि जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे से हमें डील करते हैं, हमारे एमएस जो हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह, उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी मतलब एजुकेशन प्रोवाइड की है, काफ़ी अच्छी हमें उन्होंने इतनी मतलब हमें इंफॉर्मेशन जो हमें वो देते हैं ऑन एवरीडे राउंड्स, हमें पता लगता है कि कैसी एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, तो वही चीज़ जो है वो सरकार भी कर रही है,
तो सरकार से हमें यही सीखने को मिलता है कि मतलब सरकार का भी जो काम है वो काफ़ी बहुत ही इतने इलैबोरेटिव वे में वो कर रही है कि मतलब ताकि हर किसी इंसान को, जो भी यहाँ पे लोग जितने भी सेटल्ड हैं, सबको सब कुछ जो भी है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सारी पूरी हो, एजुकेशन जो है, एजुकेशन की फैसिलिटीज सारी प्रोवाइड हों। और भी मैं आपको बता सकती हूँ कि मतलब जैसे स्कूल्स जो है, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड हो रही है, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया, तो इस बार मोदी जी 400 पार कर पाएंगे कि नहीं? जी वो मैं तो नहीं कह सकती, बट मेरे हिसाब से करना चाहिए। तो मैं आपको कोई काम अच्छा लगा जो बीजेपी का? काफ़ी उन्होंने अच्छे काम लाए हैं। तो मेरा एक फॉर एग्जांपल, मैं डिजिटल इंडिया की बात करूँगी, तो डिजिटल इंडिया जैसे इनका इनिशिएटिव था, तो बड़े लेवल पे हमें एक्चुअली ग्लोबल लेवल पे उन्होंने एक एट पार लाया है, बाकी कंट्रीज के साथ हमें कम्पिटिटिव बनाया है थोड़ा सा, तो वो अच्छा है। कंट्री को ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं, वो अच्छा है। तो आपको लगता है इस बार 400 पार हो पाएगा? होना चाहिए। आपका शुभ नाम? सुमित शर्मा। सुमित, आप क्या करते हो सुमित? सर मैं वेडिंग फोटोग्राफर और रैपर हूँ। अच्छा, रैपर एंड वेडिंग फोटोग्राफर, नाइस। तो इस बार आप किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तो मोदी है। मोदी जी हैं। आप इंडियन लाइंस में नहीं देख रहे? खड़गे जी भी खड़े हुए हैं। नहीं, खड़े तो हुए खड़गे जी तो खड़े हैं, बट नहीं मोदी जी। तो आपको लगता है बीजेपी जीतेगी इस बार? सर जम्मू से तो मेरे को नहीं लगता कि जीतनी चाहिए, क्योंकि 10 साल में कुछ नहीं किया। बाकी ओवरऑल आपको लगता है मोदी जीतेंगे? हाँ। तो एक काम जो आपको बीजेपी का पूरे इंडिया लेवल पे अच्छा लगा हो? पूरे इंडिया लेवल पे उसको काम तो नहीं कह सकते, बट राम मंदिर बना लिया, इसके लिए हमारे लिए हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, उसको मैं एज ए काम तो नहीं गिन सकता। उपलब्धि नहीं, मतलब कि एक उपलब्धि है, बट कि पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है कि हॉस्पिटल वगैरह, मतलब कि एजुकेशन डेवलपमेंट पे तुमने क्या किया, उन्होंने रिलीजियस मैटर पे किया राम मंदिर, उसको मैं काम तो नहीं गिन सकता। बाकी चल रहा है अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा चल रहा है, इंडिया का नाम किया इंटरनेशनल लेवल पे। तो आपको लगता है इस बार 400 पार हो पाएगा? 400 पार तो मुश्किल है, 270-280 तक आया, उससे ज्यादा नहीं। आप क्या करती हैं? स्टूडेंट आप। तो इस बार किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हम नरेंद्र मोदी जी को ही। मोदी जी को देख रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है मोदी जी का एक काम सबसे अच्छा जो आपको 10 सालों में लगाओ? उन्होंने पॉवर्टी के लिए बहुत किया, वुमेन्स के लिए और एजुकेशन वगैरह, वुमेन सेफ्टी के लिए। आपको लगता है क्या किया है? हाँ, वुमेन सेफ्टी के लिए उन्होंने जैसे कि बहुत सारे जो लॉज वगैरह वो अमेंड किए गए, और न्यू सेक्शंस वगैरह जैसे अभी भारतीय न्याय संहिता वगैरह ये सब लागू करने का प्लान किया जा रहा है, ये सब। ओके, तो आपको लगता है अपोजिशन में कोई इनको टक्कर नहीं दे पाएगा? अपोजिशन में ऐसे कोई लगता तो नहीं है कोई काबिल है। तो आपको लगता है मोदी जी इस बार 400 पार करेंगे या नहीं? हो सकते है, चांसेस तो है। बीकॉम करते हैं कॉलेज में। तो इस बार आप प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? मोदी जी को ही। मोदी जी को देख रहे हैं। और आप? हम भी। कोई आप उनका काम जो आपको अच्छा लगता हो? अच्छा, कोई काम जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? काम किया उन्होंने, अब तो गिना तो नहीं सकते उनके काम। आपका नाम? सिमरन देवी। सिमरन, आपका नाम? शिवाली। ठीक है, आप भी कॉलेज में हैं? जी सर। आप भी कॉलेज में? हाँ जी। ठीक है, तो इस बार किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। राहुल गांधी को देख रहे हैं। तो उनका ये काम क्या अच्छा लगता है आपको? उनका काम अच्छा। कोई ये काम जो आपको पसंद हो सबसे ज्यादा? सर काम तो मोदी जी भी अच्छा ही करते हैं, राहुल गांधी भी अच्छा ही करेंगे आगे, पर आप राहुल गांधी को देखते हैं? और आप? राहुल गांधी को देखते हैं। कोई काम उनका आपको पसंद हो? कि वो मतलब पब्लिक से आकर इंटरेक्ट करते हैं। पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं।